एक तो रात का समय, दूसरे मेरी योग विद्या से शस्त्रों की व्यवस्था, तीसरे राज्य में पुरुष प्रवेश निषेध है, फिर ये कौन है जो इतना सब कुछ होते हुए भी क्रिया राज्य में प्रवेश कर गए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हे ब्राह्मण देवता, आप दोनों कौन हैं और कहां से पधारे हैं और आधी रात के समय मेरे पास आने का उद्देश्य क्या है? क्या त्रिया राज्य में प्रवेश करते समय आपको किसी ने नहीं रोका? नहीं योगीराज, हमें त्रिया राज्य में आने से किसी ने नहीं रोका। हम तो एक विशेष उद्देश्य से आपके पास आए हैं। यदि आप हमारा उद्देश्य पूरा करने का वचन दें तभी हम आपको सभी बातें बता सकते हैं। इन ब्राह्मणों का रहस्य जाने बिना वचन देने से लाभ तो कुछ होना नहीं, हाँ हानि अवश्य हो सकती है। क्या हुआ योगीराज, किस सोच में पड़ गए? हे ब्राह्मण देव, जब तक मुझे आपका पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं कोई भी वचन आपको नहीं दे सकता, इसलिए पहले आप अपना परिचय दें। हे प्रभु श्री राम, गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारे तेज का प्रकाश तीनों लोकों में फैलता रहे गोरखनाथ। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम। अब तो हमारा परिचय तुम्हें मिल गया गोरखनाथ जी, अब तो वचन देने में कोई संकोच नहीं होगा ना? हे प्रभु श्री राम, वचन देने से पहले मैं आपकी आज्ञा का विषय जानना चाहता हूँ और मेरे पास आने का आपका उद्देश्य क्या है? हे पवन पुत्र हनुमान, योगीराज को अपना उद्देश्य बताओ। योगीराज, मुझे पता चला है कि मच्छिंद्रनाथ जी आपके गुरु हैं और आप उन्हें त्रिया राज्य से निकालकर ले जाना चाहते हैं, परंतु मच्छिंद्रनाथ जी मेरी आज्ञा से यहाँ आए थे, इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया उन्हें यही रहने दें। हे हनुमान जी, मुझे आपकी आज्ञा न मानने का बार दुख है, पर जरा आप ही विचार करें, एक साधु महात्मा का त्रिया राज्य में रहने का क्या औचित्य? क्या मेरा अपने गुरु को इस भोग विलास रूपी दलदल से निकालने का कर्तव्य नहीं बनता? क्या मैं इसी तरह उनको इस नरक कुंड में गोते खाने के लिए छोड़ दूं? और हनुमान जी, उनके यहाँ रहने से उनका योग साधना से ध्यान हट रहा है और सारे संसार में नाथ संप्रदाय की बदनामी हो रही है, आपको तो इस शुभ कार्य में मेरी मदद करनी चाहिए बजरंगबली। योगीराज, जब वे मेरी इच्छा से ही यहाँ रह रहे हैं तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर आप मेरी मदद नहीं भी करेंगे हनुमान जी, तो भी मैं अपने गुरु को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरा कर्तव्य आपसे निवेदन करना था, सो मैं कर चुका। गोरखनाथ, तुम मेरे रहते मच्छिंद्रनाथ को यहाँ से नहीं ले जा सकते। हे वानरराज, संसार की कोई भी शक्ति मेरे शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। गुरुदेव को ले जाना मेरा दृढ़ निश्चय है, जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा। तब तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा योगीराज। अक्षमा करें हनुमान जी, अगर युद्ध ही इस समस्या का एकमात्र हल है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। गोरखनाथ। हनुमान जी, हर कार्य युद्ध से हल नहीं होता, किसी भी कार्य को करने के लिए नीति की आवश्यकता होती है। शांत हो जाइए आप दोनों। और हनुमान जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने रानी मैनांकनी को जीवन भर पुरुष सुख भोगने का वरदान दिया है? ऐसा तो नहीं है प्रभु। तो फिर आपने मच्छिंद्रनाथ से जीवन भर त्रिया राज्य का सुख भोगने का वचन लिया होगा? जी नहीं प्रभु। तब तो आपका क्रोध करना व्यर्थ है हनुमान जी। योगी मच्छिंद्रनाथ जी काफी समय से आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अब आप उन्हें उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दें कि वो अपने शिष्य के साथ जाएं या नहीं। अगर गोरखनाथ अपने कार्य में सफल होकर मच्छिंद्रनाथ को त्रिया राज्य से निकालकर ले जाते हैं तब भी आपके दिए वचनों को कोई हानि नहीं पहुंचती पवन पुत्र। और वैसे भी मच्छिंद्रनाथ को काफी समय रानी मैनांकनी के साथ रहते हो गया,
ऐसे में वो इतनी आसानी से रानी वे अपने पुत्र मोनिनाथ से दूर नहीं जाएंगे। तो क्या प्रभु मेरे सभी कार्य समाप्त हो गए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा पवन पुत्र, समाप्त कैसे हो गए? अब आपका कर्तव्य रानी मैनांकनी को सचेत करना है कि गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से ले जाने आ पहुँचा है, इसलिए रानी आप सचेत रहें। हे भगवान, मुझे आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, मैं अभी रानी मैनांकनी को जाकर सचेत करता हूँ। प्रणाम। प्रभु श्री राम, आपने जो अपनी बुद्धि प्रवीणता से जो नीति निकाली है वह वास्तव में सराहनीय है। हे प्रभु, इसके अलावा मेरे लिए और कोई आज्ञा हो तो बताएं। योगीराज, तुम अपने गुरु को यहां से निकालने की हर संभव कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हारा भी परम कर्तव्य है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है गोरखनाथ। जो आज्ञा प्रभु। रानी मैनांकनी, उठो रानी मैनांकनी। प्रभु प्रणाम। इस समय अर्धरात्रि को कष्ट उठाने का क्या कारण है प्रभु? जब भगत संकट में हो तो हमें चैन कैसे पड़ सकता है? देवी, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुझ पर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है प्रभु जो आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा? और जिसकी रक्षा में आप रहते हो तो फिर उसे किस बात की चिंता? यह संकट ऐसा है रानी मैनांकनी, जिसका मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कहने से मैंने योगी मच्छंदरनाथ को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ भेजा था, और वह 12 वर्षों से आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें एक पुत्र रतन भी प्राप्त हुआ। परंतु मच्छंदरनाथ का शिष्य गोरखनाथ बड़ा ही तेजस्वी वह शक्ति संपन्न है, वह अपने गुरु को यहाँ से ले जाने के लिए आ पहुँचा है देवी, और वह अपने गुरु को साथ लेकर ही लौटेगा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसी भी प्रकार से उन्हें समझाइए, मैं अपने पति मच्छिंद्रनाथ के बिना कैसे रहूंगी? गोरखनाथ इस तरह से समझने वाला नहीं है, उसका तो एक ही लक्ष्य है देवी, अपने गुरु को तिरिया राज्य से लेकर जाना। प्रभु, तो क्या कोई और उपाय शेष नहीं है? देवी, मेरी समझ में तो एक ही उपाय आ रहा है कि तुम अपने मोहिनी रूप के तिरिया जाल में योगी मच्छंदरनाथ को फंसाए रखो और उसकी सोचने की शक्ति समाप्त कर दो। अगर वह तुम्हारे रूप जाल में फंसा रहा तो वह खुद ही जाने से इनकार कर देगा, फिर गोरखनाथ भी विवश हो जाएगा और कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर तुम्हारा रूप जाल ढीला रहा तो गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाने में सफल अवश्य हो जाएगा। लेकिन प्रभु। देवी, प्रातःकाल का समय हो गया है, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मेरा कर्तव्य आपको सचेत करना था, सो मैंने पूर्ण कर दिया। आप सत्य कह रहे हैं हनुमान जी, अब मुझे ही अपने रूप जाल में योगी मच्छिंद्रनाथ को फंसा के रखना होगा।
संत जी, हम रानी मैनांकनी के महल में पहुंचने वाले हैं, अतः आप स्त्री रूप धारण कर लें। अगर किसी ने देख लिया तो हम सभी मारी जाएंगी। आप चिंता न करें देवी, मैं अभी स्त्री रूप धारण कर लेता हूँ। संत जी, आपने तो सुंदरता में हम सबको मात दे दी। मेरे विचार से तो इस त्रिया राज्य की कोई भी सुंदरी आपके मुकाबले नहीं ठहर सकेगी। चलिए संत जी। महाराज, आपके बारे में मेरे दिल में एक डर बना रहता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप मुझे छोड़ के न चले जाएं। ये आप क्या कह रही हैं रानी मैनांकनी? आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारे और पुत्र मोनीनाथ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, फिर ये विचार आपके मन में क्यों आया? नहीं महाराज, आप मुझे वचन दें कि आप मरते दम तक मेरा साथ निभाएंगे। ये आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रानी? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर वचन देने की क्या जरूरत है? नहीं महाराज, आज तो आपको महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी, मेरी स्वामिनी कलिंगा आपको अपनी संगीत कला का जोहर दिखाना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर आपका मनोरंजन करें। आपकी क्या राय है महाराज? जैसा आप उचित समझे महारानी, मेरे ख्याल से हमें कलिंगा का कला प्रदर्शन देखना चाहिए। इस बहाने मन भी बहल जाएगा, क्योंकि तुम भी सुबह से बहुत उदास हो। ठीक है स्वामी, तुम जाओ, प्रदर्शन की आज्ञा है, हम अभी आते हैं। महारानी जी, आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। आज्ञा है कलिंगा, लेकिन तुम जो भी गाओ वो केवल त्रिया राज्य से ही संबंधित हो, अन्य कोई राग हमें पसंद नहीं है। जो आज्ञा महारानी। Oh,
जागो गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है। साल सही गिनवाले नित फूटे मेरे पाँव में छाले, बारह साल सही गिनवाले नित फूटे मेरे पाँव में छाले, चारों दिशा रहा भाग गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है। नाथ पंथ की ऊंची मर्यादा मुझसे आप ही जानो ज्यादा, नाथ पंथ की ऊंची मर्यादा मुझसे आप ही जानो ज्यादा, कौन विषय भर मांगो गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है। महाराज मुझे लगता है आपको ये कला प्रदर्शन पसंद नहीं आ रहा, आप कहीं तो इसे बंद करवा दिया जाए। बात अच्छा या बुरा लगने की नहीं है, मुझे तो इस मृदंग से एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। आप ही बताएं महाराज आपको क्या आवाज सुनाई दे रही है। मृदंग की आवाज कह रही है, रानी करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया। इसका क्या अभिप्राय है स्वामी? इसका अभिप्राय तो स्पष्ट है कि गोरखनाथ यहाँ आ पहुंचा है, मुझे उसके साथ जाना होगा। प्रिया राज लगा इतना सुंदर, खुद ही फंस गए इसके अंदर, प्रिया राज लगा इतना सुंदर, खुद ही फंस गए इसके अंदर, मोह जाल अब त्याग गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है। मुझे तो लगता है कि स्त्री वेशधारी गोरखनाथ है। हम योगी साधु सन्यासी सच्चे प्रीतम शिव अविनाशी, हम योगी साधु सन्यासी सच्चे प्रीतम शिव अविनाशी, शरण शरण में लागो गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है, करो चेत मच्छेंदर जागो गुरु जी गोरख चेला आया है।
ये लो तुम्हारा इनाम। हम तुम्हारी संगीत क्लास से बहुत प्रसन्न हुए और विशेष रूप से इस मृदंग वादिका से, इसलिए तुम जाओ और इसे यहीं रहने दो। महारानी जी, इसे न रोकिए, इसके बिना तो हमारा व्यापार ही समाप्त हो जाएगा। हमें इतनी बढ़िया मृदंग वादिका मिलनी मुश्किल है। हमें बहकाने की कोशिश मत करो कलिंगा, यह स्त्री नहीं पुरुष है और हमारे राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है। तुमने इसे यहाँ नारी भेष में लाकर घोर अपराध किया है। राज्य के नियमानुसार तुम्हें पुरस्कार की बजाय दंड मिलना चाहिए। हम तुम्हें तुम्हारे प्रदर्शन से खुश होकर छोड़ रहे हैं, अब तुम जा सकती हो और यह स्त्री भेषधारी यहीं रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। और तुम मेरे साथ चलो। रानी मैनांकनी, ये औरत तो वही है जो मृदंग बजा रही थी। जी हाँ महाराज, ये वही है, लेकिन ये औरत नहीं बल्कि पुरुष है। हे स्त्री वेशधारी पुरुष, मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। माताजी, अब मैं अपने यथार्थ रूप में हूं। आपके राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित था, इसलिए मुझे योग विद्या द्वारा स्त्री का रूप धारण करना पड़ा। मेरा नाम गोरखनाथ है और योगी मच्छिंद्रनाथ ही मेरे गुरु हैं। क्या तुम ही हो गोरखनाथ? प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो मेरे शिष्य, कितना बड़ा हो गया है रे तुम। जब मैं तुमसे अलग हुआ था तो तू बहुत छोटा था। क्या तुमने सारी शिक्षाएं पूर्ण कर ली? जी हाँ गुरुजी, मैंने आपकी दी हुई सारी शिक्षाओं को भगवान शिव को प्रसन्न कर परिपूर्ण कर लिया। और गुरुजी, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं दर्शन देकर मुझे सब प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण भी कर दिया। धन्य है बेटा गोरख, तू तो इसी तरह नाथ संप्रदाय का नाम एक दिन सारे जग में फैलाएगा। गुरुजी, नाथ संप्रदाय का नाम तो वैसे भी सारे संसार में फैल चुका है। मैं तुम्हारा कहने का अभिप्राय नहीं समझा गोरखनाथ। मेरा कहने का अभिप्राय ये है गुरुदेव, कि आपके तिरिया राज्य में भोग विलास का जीवन जीने से सारे संसार में नाथ संप्रदाय की बदनामी हो रही है। आपके बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। जिस गुरु मच्छिंद्रनाथ का शिष्य बताने पर मुझे कभी गर्व महसूस होता था, आज आपके नाम पर लोग हंसते हैं गुरुदेव, कहते हैं कि ऐसे गुरु का शिष्य है जो तिरिया राज्य में भोग विलास कर रहा है। गुरुदेव, अगर आप इसी तरह नरक कुंड में जीवन व्यतीत करते रहे तो यकीन मानिए, पूरी पृथ्वी पर एक भी प्राणी नाथ संप्रदाय का नाम नहीं लेगा। गुरुदेव, लोग हमारे नाथ संप्रदाय पर थूकेंगे। बस करो गोरखनाथ, मैं चुप हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए बोलते चले जाओगे। मैं यहां अपनी स्वेच्छा से नहीं रह रहा हूं, बल्कि यहां रहने की मेरी व्यवस्था है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है गुरुदेव? क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? बेटा गोरख, जब मैं तुम्हें बद्रीनाथ जाकर तपस्या करने का आदेश देकर स्वयं तीर्थ यात्रा को चल पड़ा, तो सेतु बंद रामेश्वरम में मेरी हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने ही मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया और उन्हीं की आज्ञा अनुसार मुझे यहां रहते 12 वर्ष बीत गए।
लेकिन गुरुदेव, अब तो आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। हनुमान जी को दिए वचनों का पालन कब का पूरा हो चुका है। अब आपकी प्रतिज्ञा भंग होने का समय बीत गया है गुरुदेव, अब तो आप मेरे साथ चलें। तो चलो गोरखनाथ, मुझे कब इनकार है बेटा। वाह पतिदेव वाह, हमें इतनी जल्दी छोड़कर चल दिए। क्या इसी तरह निभाए जाते हैं रिश्ते? आप 12 वर्षों तक यहाँ रहते रहे, तब नाथ संप्रदाय की बदनामी नहीं हुई, और अब जब गोरखनाथ मिल गया तो आपको नाथ संप्रदाय की चिंता होने लगी। जरा अपने परिवार की तरफ भी देखिए महाराज, अपने अपने पुत्र, अपने जिगर के टुकड़े मोनीनाथ को ये क्या आपके बगैर रह पाएगा? और क्या आप इसके बगैर रह पाएंगे? बेटा मोनीनाथ, मेरे लाल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम ठीक कहती हो रानी मैनांकनी, मैं तुम्हारे और पुत्र मोनीनाथ के बिना एक पल भी जिंदा नहीं बचूंगा। गोरखनाथ, तुम जाओ यहां से, मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। मैं तो यहीं पर रहूंगा अपने परिवार के साथ। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? परिवार? साधु योगियों का कोई परिवार नहीं होता गुरुदेव, उनका तो ये सारा संसार ही एक परिवार है। आप ही ने तो सिखाया था गुरुदेव, फिर आप ही इस बात को क्यों नहीं मानते? हाँ हाँ, सिखाया होगा मैंने, मुझे कुछ याद नहीं है। जो सिखाया था उसे भूल जाओ, और अब जो कह रहा हूं उसे याद रखो। अब यही मेरा परिवार है, समझे? गुरुदेव, इस समय आप योगी मच्छिंद्रनाथ नहीं, बल्कि रानी मैनांकिनी के पति व मोनीनाथ के पिता के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ कभी ऐसी बातें नहीं कर सकते। अपने शरीर दिलो दिमाग से ये पिता पुत्र पति का चोला उतार फेंके गुरुदेव, और उस मच्छिंद्रनाथ को ढूंढिए जो आपके मन में किसी कोने में कैद है। गोरखनाथ, जब मेरे पति तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है तो तुम क्यों अनावश्यक बातें कर रही हो? तुम्हें इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। अक्षमा कीजिए माता, जिस तरह ये आपके पति हैं उसी तरह मेरे गुरु भी हैं, और एक शिष्य का अपने गुरु को समझाने का पूर्ण अधिकार होता है। आप शायद ये भूल रही हैं कि ये मेरे गुरु पहले बने थे और आपके पति बाद में। गोरखनाथ, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, रानी मैनांकिनी तुम्हारी माता है, क्योंकि अब ये मेरी पत्नी है, इसलिए इनके साथ सभ्यता से बातें करो। पत्नी, माता? गुरुदेव, आप तो सचमुच कितने भटक गए हैं। आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि हम साधु योगियों की माता केवल धरती होती है, क्योंकि वो हमें अपनी गोदी में रखती है। गुरुदेव, पत्नी का तो आपने कभी जिक्र ही नहीं किया था। आपने योगियों के लिए स्त्री के केवल दो ही रूप बताए थे, एक माता का, दूसरा बहन का। फिर ये पत्नी कहां से आ गई? आप ही ने तो नारी संघ को नरक कुंड का द्वार बताया था, फिर आप ही गृहस्थ जीवन में कैसे पड़ गए गुरुदेव, कैसे? गोरखनाथ, शायद तुमने पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं की। वेद शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा तप माना है, इसमें बुराई क्या है? क्या वेद पुराणों में लिखी बात असत्य है? हाँ माता, मैं मानता हूँ कि वेद पुराणों में गृहस्थ जीवन को भी एक तप माना है, लेकिन वो बात उन लोगों पर लागू होती है जो और कोई तप नहीं कर सकते, और केवल इसी तप के द्वारा अपने परिवार में लीन रहते हैं। ये बात मेरे गुरु महायोगी मच्छिंद्रनाथ पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये तो इन सब बातों से बहुत ऊपर हैं। इनके जन्म का उद्देश्य तो स्वयं भगवान ने जगत कल्याण का बनाया है। अगर ये अपने ही परिवार की तरफ देखते रहे तो इस संसार का क्या होगा माता? ये तो उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए ये सारा संसार एक परिवार है। गुरुजी, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप यहां से चलिए। आपके यहां रहने से
आपकी योग साधना पूरी नहीं हो रही है। मैं तो तैयार हूं बेटा, तुम अपनी माता को मना लो, अगर वो हां कर देती हैं तो फिर मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। कदापि नहीं, मैं ये कतई नहीं मानूंगी कि तुम मुझे और मोनीनाथ को छोड़ के जाओ। तुम चले गए तो इस बेचारे मोनीनाथ का क्या होगा, ये किसके सहारे रहेगा? हनुमान जी की गर्जना से इन्हें कौन बचाएगा? ओहो मोनीनाथ मोनीनाथ, पहले मैं इस मोनीनाथ की समस्या को ही मिटा देता हूं। गोरखनाथ, ये तुमने क्या किया? मेरे पुत्र की जान ले ली। देखिए महाराज, मोनीनाथ को मार डाला इस पापी ने, मैं कैसे जिंदा रहूंगी?
बेटा मोनीनाथ, अरे मूर्ख गोरखनाथ, तूने जरा भी शर्म नहीं आई जो मेरे फूल से बच्चे को मार डाला? मेरे कर्मों की सजा इसे क्यों दी? इससे अच्छा तो तू मुझे मार डालता। हे गुरुदेव, न कोई किसी को मारता है और न कोई किसी के मारने से मरता है। आप तो गुरुजी परम ज्ञानी हैं, आप ही ने तो बताया था कि आत्मा अमर है, इसमें जन्म लेने वाले को एक न एक दिन अवश्य मरना होगा, इसलिए मरने वाले पर शोक करना व्यर्थ है गुरुजी। अरे मैंने ये उपदेश क्या तुझे किसी निर्दोष बालक की हत्या के लिए दिया था? तू ही बता। मुनिनाथ के बिना हम दोनों की जिंदगी में अब रह क्या गया है? मैं क्या अब जिंदा रह पाऊंगी स्वामी? इससे अच्छा तो मैं आपको त्रिय राज्य से जाने से ना रोकती तो आज मुनिनाथ की ये हालत नहीं होती। मुनिनाथ की ये हालत नहीं होती स्वामी। माता जी, अब किया भी क्या जा सकता है? जिसकी मृत्यु आई थी वह मर गया। आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे सकती हैं, मैं आपका गुनहगार हूँ माता। अब मैं तुम्हें क्या सजा दूं गोरख? मेरा बेटा तो वापस आने से रहा। आ सकता है माता, अगर आप मेरे गुरुजी को मेरे साथ चलने की अनुमति दें तो मैं मोनिनाथ को अपने तपोबल से पुनः जीवित कर सकता हूँ। क्या ये कैसे संभव है गोरख? क्या मरने के बाद भी कोई दोबारा जीवित होता है? हो सकता है गुरुदेव, मैंने अपने तपोबल से वो शक्तियां प्राप्त कर ली हैं कि मैं मरे हुए प्राणी को पुण्य जीवित कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं अभी मोनिनाथ को जीवित कर देता हूँ। हाँ बेटा गोरख, तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, मैं इन्हें नहीं रोकूंगी। मैं अपने ही स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मुझे मेरा बेटा वापस दे दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इन्हें जाने से नहीं रोकूंगी, नहीं रोकूंगी मैं इन्हें जाने से। तो ठीक है माता, ये लो। बेटा मोनिनाथ, मेरे लाल, मेरे बच्चे। मेरे पुत्र, मेरे बच्चे। तो ठीक है माता, मैंने अपना वचन पूरा किया, क्या अब मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ को यहाँ से ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं। अब मुझे पता चला कि जीवन कितना छोटा है, कहाँ कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं, इसलिए इंसान को ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर भक्ति में वे जगत कल्याण में लगाना चाहिए। मैं तुम्हारे इस शुभ कार्य में बाधा नहीं बनूंगी, मैं अभी आपके जाने की तैयारी करती हूँ। शाबाश गोरख, मैनांकनी का मोह भंग करने का इससे सरल उपाय नहीं था। तुमने जो भी किया मेरी इच्छा अनुसार किया, इसलिए तुम प्रशंसा के पात्र हो। गुरुजी, जब आपको ये पता था कि ये सब मैंने माता मैनांकनी का मोह भंग करने के लिए किया है, फिर आपने मोनिनाथ की मृत्यु पर इतना शोक क्यों किया? यह सब रानी को सकने हो इसलिए करना पड़ा, वरना रानी मैनांकनी अपने जीते जी मुझे यहां से नहीं जाने देती। सचमुच आप धन्य हैं गुरुदेव। ये लो महाराज, इसमें मैंने कपड़े वे आपका सामान डाल दिया है। अच्छा रानी, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना स्वामी। प्रणाम माता।
क्या बात है गुरुदेव? आपके चेहरे से लग रहा है कि आप किसी उधेड़ बुन में हैं। शायद आपके मन में कई तरह के विचार चल रहे हैं गुरुदेव। हाँ गोरख शिष्य, हम काफी समय से साथ साथ चल रहे हैं और दोनों के इकट्ठे चलने से हम अपने नाथ संप्रदाय को फैलाने का काम इतनी तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ही बताएं गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? गोरखनाथ, मैं चाहता हूं कि तुम अलग दिशा में जाओ और मैं अलग दिशा में जाता हूं। समय आने पर हमारी आपस में स्वयं ही भेंट हो जाएगी। हे गुरु मच्छिंद्रनाथ, आप मुझे आदेश दें कि आप मुझे कहां भेजना चाहते हैं। हे शिष्य गोरखनाथ, तुम यहां से सीधे नेपाल देश में जाओ, क्योंकि वहां नेपाल के राजा महेंद्र देव प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। वे अपने धर्म कर्म को भूल बैठे हैं। आज से काफी वर्षों पहले मैंने नेपाल की यात्रा की थी और वहां पर नाथ पंथ का नाम आगे बढ़ाया था। इसलिए हे गोरखनाथ, मैं तुमसे अपेक्षा रखता हूं कि तुम बिना कोई आघात पहुंचाए राजा महेंद्र देव को सही मार्ग पर लेकर आओगे। आप तनिक भी चिंता न करें गुरुदेव, आपका ये शिष्य गोरखनाथ आपको ये वचन देता है कि मैं बिना कोई आघात पहुंचाए नेपाल नरेश महेंद्र देव को सही मार्ग दिखाऊंगा और नेपाल में राम राज्य की स्थापना होगी। बहुत अच्छे गोरख, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दें, प्रणाम। तुम्हारी सदा जय हो गोरखनाथ। शस्त्र गुरु की शिक्षा सत्य साधु का गहना, साधु का गहना। जो भी सुधारे भटके हुए को, जो भी सुधारे भटके हुए को ज्ञान दीप कहलाएगा। दाम दंड भेद नीति से जाए अत्याचार तरासा। सत्य वचन को जो ना माने, सत्य वचन को
हाहाकार फैलाते हैं इनके वश में होने वाले रोते और रुलाते हैं रुलाते हैं मदिरा सेवन कुकरम करके मदिरा सेवन कुकरम करके निसर्गति वो पाएगा प्यास रहे हर पल चिंता नींद रात को क्या आती आती महेंद्र देव नहीं सुधरा तो महेंद्र देव नहीं सुधरा तो तब मोहे लग जाएगा छोड़ दो हमें। अरे उस परमपिता परमात्मा से डरो दुष्टो, अब तुम्हारा अंत होने वाला है। छोड़ क्यों नहीं देते इस नाथ पंथ को? हमारे राजा का आदेश क्यों नहीं मानते? अरे दुष्टो, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बहुत जल्दी अंत समय आने वाला है। अंत समय आने वाला नहीं, अंत समय आ गया है। अरे ये देखो एक और मिल गया। आज तो महाराज बहुत खुश होंगे।